लोकसभा चुनाव के छठे चरण के वोट डाले जा चुके हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी बीजेपी को हराने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव में सबकी नज़र कांग्रेस और भाजपा पर टिकी हुई है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दिए गए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर कई सारे आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने मोदी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये हिंदुस्तान की संस्थानों पर आक्रमण कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि एक ही संगठन हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं को नियंत्रित करे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट के चार जज जनता के सामने आकर कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने ऐसे कई सारे आरोप लगाए जिसमें उन्होंने मोदी द्वारा लिए गए नोटबंदी के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जिसने देश के लाखों लोगों का नुकसान कर दिया। वहीं एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बन ही नहीं सकती, इस बार सिर्फ कांग्रेस ही आएगी, ये एकदम साफ है। नरेंद्र मोदी का युग हिंदुस्तान की राजनीति में 23 मई को हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण की वोटिंग होना अभी बाकी है, जो कि 19 मई को होना है। ऐसे में अभी भी दोनों पार्टियों के नेताओं की ओर से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते रहेंगे। वहीं 23 मई को ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार होगी। खबर अपडेट की रिपोर्ट।